हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, आज हम आपको प्लांट वो दिखाएंगे जो कटिंग से बहुत ही इजीली ग्रो हो जाते हैं। और आप एक प्लांट अपने घर में लेकर आइए तो उससे कई सारे प्लांट आप ऐसे कटिंग से सर्वाइव कर सकते हो। तो इससे पहले मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट करना मत भूलिए। और फ्रेंड्स प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। और देखिए, पहला जो प्लांट है जो है लोरोपेंथलम, बहुत ही इजीली कटिंग से ग्रो हो जाता है। इसकी छोटी से छोटी जो कटिंग है वो भी हम वेस्ट नहीं कर सकते, उसको भी सर्वाइव कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो प्लांट है ये है लाल बादशाह का प्लांट, ये भी बहुत ही इजीली कटिंग से ग्रो हो जाता है। और इसकी जो कटिंग है जैसे एक पेंसिल की लेंथ होती है, वैसे ही अगर आप इसकी लेंथ लोगे तो बहुत ही इजीली वो कटिंग सर्वाइव होगी। तो देखिए नेक्स्ट जो है वो है कलांचो का, कैलन कोई का प्लांट। देखिए ये भी कटिंग से ही मैंने सभी को ग्रो किया हुआ है, ये कटिंग से भी ग्रो हो सकता है, लीव से भी। और नेक्स्ट जो है ये है लोरो सॉरी ये है डेविस बैकबोन, और डेविस बैकबोन प्लांट भी कटिंग से बहुत ईजिली ग्रो हो जाता है। तो उससे नेक्स्ट है मदर थाउजेंड प्लांट, ये कटिंग से तो नहीं ग्रो होता लेकिन ये ऐसे इसके जो बेबी प्लांट्स हैं उससे बहुत ही ईजिली ग्रो हो जाता है। तो देखिए जो है पत्थर चट्टा प्लांट भी कटिंग से बहुत ईजिली ग्रो हो जाता है। और फ्रेंड्स ये देखिए जो है मदर थाउजेंड प्लांट, ये कटिंग से भी ग्रो होता है, तो ये देखिए ये ऐसे बेबी प्लांट से भी ग्रो होता है। और जो नेक्स्ट है वो देखिए वो है वेंड्रिंग जू भी कटिंग से बहुत ईजिली ग्रो हो जाता है। और उससे आगे देखिए मेरे पास ऐसे काफ़ी सारे प्लांट हैं जेड प्लांट के, तो जेड प्लांट भी कटिंग से बहुत ही इजीली ग्रो हो जाता है, बहुत अच्छी तरह सर्वाइव हो जाता है। तो फ्रेंड्स इसका मुझे नाम नहीं पता लेकिन ये भी कटिंग से बहुत इजीली ग्रो हो जाता है। तो देखिए, और सिंघोनिया तो बहुत ही हार्डी प्लांट है, बहुत ईजिली कटिंग से ग्रो होता है। बस आपको एक ही इसकी केयर करनी है कि जहाँ से इसका ये जो नोड एरिया है जहाँ से वहाँ से आप कट करके इसको सर्वाइव कर सकते हो। तो ये देखिए ये है स्नेक प्लांट का जो बेबी प्लांट है, इससे हम ग्रो कर सकते हैं। तो देखिए मनी प्लांट तो बहुत ही ईजिली कटिंग से ग्रो हो जाता है, ये कॉमन ऐसा प्लांट है जो सभी के घर में पाया जाता है। तो ये देखिए ये है क्रैशुला, और क्रैशुला भी कटिंग से बहुत ही ईजिली ग्रो हो जाता है, लीव से भी और कटिंग से भी। तो फ्रेंड्स ये देखिए ये मेरे जितने भी प्लांट हैं ये मनी प्लांट हैं और मैंने कटिंग से ही सर्वाइव किए हैं। तो ये देखिए ये है रियो प्लांट भी कटिंग से सर्वाइव हो जाता है। और ये देखिए, और ये अगावे प्लांट के तो नीचे से बेबी प्लांट जब निकलते हैं तो ये भी बहुत ईजिली कटिंग से तो नहीं बेबी प्लांट से ग्रो होता है। तो देखिए हमारे जहाँ पर्सिन और पॉर्चुला जहाँ पर थोड़ा शेडी एरिया है रखी हुई है, तो दीवार पर भी मैंने ऐसे रखे हुए हैं काफ़ी सारे प्लांट, मैं आपको दिखाती हूँ। और ये भी बहुत ईजिली कटिंग से ग्रो हो जाते हैं। तो देखिए, और फ्रेंड्स ये देखिए ये है कनेर भी बहुत ही ईजिली कटिंग से ग्रो हो जाता है, और ये रेनी सीजन में बहुत बढ़िया होता है। तो ये देखिए ये है अडेनियन भी कटिंग से बहुत ईजिली ग्रो हो जाता है, लेकिन इसकी जो स्टेम लेनी है आपने उसको आपने 24 घंटे के लिए शेडी एरिया में रखना है तो ही सर्वाइव होगी। अगर आप ऐसे एकदम कट करके ताजी ताजी लगाओगे तो नहीं होगी। तो ये देखिए ये है टर्टल वाइन तो बहुत ही इजीली कटिंग से ग्रो होती है। और देखिए ये है पांडा फाइकस भी बहुत ही इजीली कटिंग से ग्रो होता है। तो नेक्स्ट वीडियो मैं अगले स्टेप में बनाऊँगी, तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और हमें ज़रूर अप्रिशिएट करिएगा। थैंक यू।